नमस्कार दोस्तों, देवकुला चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नैनीताल शहर। यह है नैनी झील। ताल के दोनों ओर सड़कें हैं। ताल का ऊपरी भाग मल्लीताल और निचला भाग तल्लीताल कहलाता है। दोनों तालों को जोड़ने वाली सड़क मालरोड कहलाती है। यह है पार्किंग, जहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं मां नैना देवी मंदिर के दर्शन। यह है तिब्बती मार्केट, जहां ऊनी कपड़ों के अतिरिक्त आप कई तरह की सजावटी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। बस स्टैंड से यह मंदिर अराउंड 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां आने के लिए आसानी से रिक्शे मिल जाते हैं। यहाँ माँ के नैनों की पिंडी के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ से आप पूजा सामग्री और प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से ही हनुमान जी की मूर्ति और विशाल पीपल के वृक्ष के दर्शन हो जाते हैं। जब शिव सती की मृतदेह को लेकर जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके टुकड़े गिरे, वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती की 8 गिरी थी। नैनीताल के ताल की बनावट भी देखें तो वह आग के आकृति की ताल है। मंदिर के अंदर नैना देवी के साथ गणेश जी और मां काली की मूर्तियां हैं। यह है भैरव देवता का मंदिर। यहाँ से आगे यह अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं, राम जी, सीता मैया, राधा कृष्ण इत्यादि। मंदिर के प्रांगण में विभिन्न टाइप के फूल लगे हैं, जो मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। मंदिर से झील का अद्भुत सौंदर्य दिखाई देता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार मां के नैनों से गिरे आंसू ने ही ताल का रूप धारण कर लिया, इसी वजह से इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। यहां से माँ बाप अपने बच्चों को रंग बिरंगी मछलियां भी दिखाते हैं। यह है महादेव शिव शंभू। यह है मंदिर का चारों ओर का विहंगम दृश्य। यहीं पर नैना देवी के रूप में पार्वती माँ अर्थात नंदा देवी का भव्य स्थान भी है। नंदा देवी को समस्त कुमाऊं गढ़वाल की ईष्ट देवी भी कहा जाता है। नंदा देवी की यहाँ पर पुराण युग से पूजा होती है। मंदिर में नंदाष्टमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि 8 दिनों तक चलता है। नैना देवी मंदिर की मान्यता है कि माँ के नेत्र दर्शन से ही आंखों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम नैना देवी माँ के दर्शन के बाद बाहर निकलते हैं और कुछ नाश्ता करते हैं। मंदिर से आगे यह है फ्लैट का खुला मैदान। पर्यटकों के लिए यह जगह आकर्षण का केंद्र है। यहाँ नित नए खेल तमाशे होते हैं। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आगे चलकर हम ताल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम बोटिंग का आनंद भी लेंगे।
जहाँ पर आप विभिन्न पारंपरिक वेशभूषा में फोटो भी खिंचवा सकते हैं। नैनीताल के ताल में संपूर्ण पर्वतमाला, वृक्ष, बादलों की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। जल में विहार करते हुए बत्तखों का झुंड, थिरकती हुई तालों पर इखलाती हुई नौकाएं तथा रंगीन बोटों का दृश्य देखने के लिए प्रकृति प्रेमी नैनीताल दूर दूर से आते हैं। ताल के पानी की विशेषता यह है कि ताल का पानी गर्मियों में हरा, बरसात में मटमैला और सर्दियों में हल्का नीला हो जाता है। इसी तरह के अन्य वीडियो का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी सूर्यास्त के अद्भुत दृश्य के साथ अब नैनीताल से हम विदा लेते हैं और आप लोगों से फिर जल्दी ही मिलेंगे।